और हमारे परम मित्र विनेश कुमार राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जैसे चमोली शांतिमन पुष्कर घर में सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार, बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मंच पे उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी, इन्होंने वरिष्ठ कलाकार लिखा है, लेकिन आप साहित्यकार भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ देहरादून के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और कलाकार तो आप हैं ही हैं। अभी मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मैंने अपने यहाँ जो है एक आर्ट गैलरी भी लगा रखी है और उसमें बच्चों को भी उन्होंने जो है इन्वाइट किया है। तो ये हम जो है जब भ्रमण कार्यक्रम हमारे होते हैं तो उसमें आप इस गैलरी को जो है भ्रमण करा सकते हैं बच्चों का, ताकि वो इससे मोटिवेट हों। इसके साथ ही हमारे साथ जो डॉक्टर रसाइली जी हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर रीता तिवारी जी जो एमकेपी डिग्री कॉलेज से हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कपिल चौधरी जी जो ग्राफिक गिरा से यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हमारे साथ पूरा दो दिन सहयोग कर रहे हैं आप सभी लोग, आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आपका। श्री सुशांत आर्य जी डायरेक्टर धून आर्ट स्कूल, तो इस कार्यक्रम में धून आर्ट स्कूल यदि हमारे साथ जुड़ा है तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि भी है, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि भविष्य में भी आप हमारे साथ जो है इसी तरह जुड़े रहेंगे। ये कार्यक्रम क्योंकि देखिए आपको रावत जी ने बता दिया कि किस क्या इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो भी हमारा कला और संगीत जो भी टीचर्स हमारे स्कूलों में काम कर रहे हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल स्कूल में होता है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें हमारे दोनों टीचर्स जो है अपना योगदान नहीं देते हैं और बिना आपके जो है कोई कार्यक्रम जो है वो संपन्न भी नहीं होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है हमारे म्यूजिक और कला जो टीचर्स हैं उनके ऊपर होती है कि वो किस तरह से इस कार्यक्रम किसी भी कार्यक्रम को जो है वो आगे ले जाते हैं। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस उद्देश्य से रखा था कि जो भी विधाएं जो भी कला की विधाएं हैं श्रेणियां हैं यदि जो भी टीचर्स के अंदर हैं चाहे पोस्टर में है या आप लोक कथाओं के बारे में आप जानते हैं तो वो बच्चों को कैसे ट्रांसफर करेंगे। यदि टीचर्स जो हैं उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं बच्चों में तो वो विधा जो है वहीं पर विलुप्ति की कगार पर आ जाती है। तो हम लोगों ने सोचा था इस कार्यक्रम को करने के लिए कि जो टीचर्स हमारे जानते हैं, तो फर्स्ट दो साल में हम लोगों ने इसको टीचर्स के लिए ही ऑलरेडी ये रखा था कि टीचर्स इसमें हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स होते थे और इस साल हमने एक बच्चों को भी इसमें जोड़ा है ताकि जो टीचर्स बच्चों को कुछ दे रहे हैं या उनको कुछ सिखा रहे हैं तो उनकी जो प्रतिभा है वो भी सामने आनी चाहिए, उनको भी मंच मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस साल जो है बच्चों को भी जोड़ा है और नई पोस्ट और चित्रांकन में इसमें तृतीय स्थान पर है श्रीमती अर्चना राय का ग्वालपुरा और तृतीय स्थान में दूसरी भी है ज्योत्सना द्वारा राय का लोहा का। दोनों मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती अर्चना और श्रीमती ज्योत्सना द्वारा तृतीय स्थान पर है पोस्टर चित्रांकन में। उधर साइए आइए प्लीज, जोरदार तालियां जोरदार तालियां। वसुदेव लाल राय का मियां वाला वसुदेव लाल, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियां भाई, वास्तव में कलाकार है पूरा जबरदस्त। इसमें वसुदेव लाल जी मियांवाला में द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया है और इसके बाद जोरदार तालियां हरिमोहन कंसेरू जी ने जो राय का तिरसारे बागेश्वर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हरिमोहन कंसेरू जी राय का तिरसारे बागेश्वर प्रथम स्थान, हरिमोहन कंसेरू जी आइए ये प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। और इसके बाद
तैयार रहे सांत्वना पुरस्कार में सभी शिक्षक साथियों का। अजय जोशी जी राय का पौड़ी खाल, अजय जोशी और हमारे परम मित्र विनेश कुमार राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैसन चमोली सांत्वना पुरस्कार आइए सर। और इसके बाद प्रीति बिष्ट आइए आ जाइए आप लाइन पे आ जाइए आगे। श्रीमती स्मिता पांडे पंतनगर ओम सिंह नगर, श्री कुलदीप बिष्ट रायका माथुले रुद्रप्रयाग और हमारे परम मित्र विनेश कुमार राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैसन चमोली सांत्वना पुरस्कार आइए सर। स्मिता पांडे प्रीति बिष्ट के बाद स्मिता पांडे, स्मिता पांडे हैं ये आई, फिर कुलदीप बिष्ट जी हैं स्मिता पांडे, इसके बाद कुलदीप बिष्ट जी, कुलदीप बिष्ट आइए कुलदीप बिष्ट जी, फिर ब्रजेश प्रसाद जोशी जी, ब्रजेश प्रसाद जोशी और इसमें भी है कुमारी शिवानी हरिद्वार से, कुमारी शिवानी ब्रजेश जोशी शिवानी जी आ जाइए और हमारे विद्वान साथी भूपेंद्र चौधरी जी, भूपेंद्र चौधरी जी और दीपक पाल जी, दीपक पाल जी आप भी आइए। भूपेंद्र चौधरी और दीपक पाल भूपेंद्र चौधरी दीपक पाल भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र चौधरी को देखो, भूपेंद्र चौधरी